वैरायटी फार्मिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पास में एक ड्वार्फ वैरायटी का सुपारी का पौधा है जिसमें हम हाइब्रिड सुपारी बोलते हैं। कई छोटा वर्षन जो है 1-1.5 फीट का पौधा, ये आपको देख सकते हैं हमारा 30 रुपए में हम सेल कर रहे हैं। हेलो किसान साथियों, सुपारी एक ऐसा फार्मिंग है जिसका ऊपर बेस करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल जो है तैयार हो चुका है। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर जैसे जब से गुटखा बना हुआ है ना, तब से तो सुपारी अलग ही लेवल पे चला गया है। सुपारी फार्मिंग ऑलरेडी काफी जगह पॉपुलर हो चुका है, जैसे उड़ीसा, बंगाल, आसाम वगैरह में। तो इस टाइप का अगर सुपारी फार्मिंग आप करना चाहते हो या एक नॉर्मल फार्मर करना चाहते हो, तो सोचता है कि कौन सी वैरायटी फार्मिंग करूं और फार्मिंग करने का जो है तरीका कैसे रहता है। तो आज का बेसिकली वीडियो है कि कौन सी वैरायटी फार्मिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पास में ही एक ड्वार्फ वैरायटी का सुपारी का पौधा है जिसमें हम हाइब्रिड सुपारी बोलते हैं, ठीक है ना। ये वैरायटी का हम सबसे ज्यादा सजेस्ट करते हैं। वैसे तो देसी वैरायटी उतना खराब नहीं है, उसमें भी अच्छा खासा फ्रूट आता है, मोटा मोटा साइज में रहता है। बट ड्वार्फ वैरायटी फार्मिंग करने से क्या होता है ना, आपकी इनकम जो है डबल हो जाता है। तो आइए आज इसके बारे में पूरा डिटेल पे जानते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मिंग के बारे में हम जानते हैं। सुपारी का जो डिस्टेंस रहता है ना, मान के चले 8x10, 8x8, 6x6, ऐसे तो फार्मर के ऊपर डिपेंड होता है। एकड़ में मान के चले आपको 800 से 1200 पौधे के बीच में पौधे बैठता है, ठीक है। और इसका फ्रूट का बात करें, वैसे तो सुपारी 12 मासी फ्रूट आता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अभी से इसमें फ्रूट लगा हुआ है। और इसमें देखिए नया जो है जो इसका मंजर लगा हुआ है, अभी ये थोड़ी दिन बाद जो इसका मैच्योरिटी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो वैसे तो 12 मासी आता है, बट हम साल भर में वन टाइम जो है फ्रूटिंग कटिंग मतलब पकड़ लेते हैं, हिसाब ले लेते हैं। खास करके हाइब्रिड वैरायटी का, देसी वैरायटी तो अलग हिसाब है, हाइब्रिड का हिसाब लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इसमें मान के चलिए आपको 40 किलो 50 किलो फ्रूट मिलता है साल भर में, ठीक है ना। तो साल भर में आपको एक एकड़ जमीन का मान के चलिए पर पौधे में 40 किलो जो है फ्रूट मिलता है। 900 पौधे का अगर हिसाब कर, 1000 पौधे का भी अगर हिसाब कर लेते हैं, तो आपको कितना फ्रूट मिलता है। और उसमें मान के चले गोल्ड एवरेज मार्केट का प्राइस तो आप जानते ही, आजकल तो 40-50 रुपए किलो मिलता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि अच्छा खासा इनकम जो है सुपारी से हो रहा है या फिर हो सकता है। तो अगर आप भी फार्मिंग करना चाहते हैं तो इस टाइप का हाइब्रिड वैरायटी का जो है खेती करिए। देसी वैरायटी तो मान के चले बहुत ही अवेलेबल हो जाता है, हाइब्रिड वैरायटी थोड़ा यूनिक रहता है। इसको फार्मिंग करने का जो है मेन प्रॉफिट क्या रहता है ना, छोटा छोटा फ्रूट पौधे में फ्रूट आएगा और आप हाथ से ऐसे तोड़ाई कर सकते हैं। देसी में आपको 7-8 साल बाद जाके फ्रूट आता है और काफी लंबा लंबा हो जाता है, उसमें टूटने का पौधे का चांस रहता है। और ये पौधा काफी मजबूत रहता है, छोटे से ही बहुत बहुत मोटा मोटा हो जाता है, तो ये टूटने का चांस काफी कम रहता है। और इसका फ्रूट अभी तो ये छोटा छोटा है, इसके फ्रूट और मैच्योर होगा, मतलब एकदम पूरा राउंड शेप में, मार्बल शेप में काफी बड़ा बड़ा फ्रूट इसका जो है फ्रूट का साइज हो जाता है। और ये गुटका वगैरह जो कंपनी में काफी ज्यादा इसको जो है चाहा जाता है, इसको जो है पॉपुलर है। इस टाइप का पौधा जो है मतलब सुपारी के फार्मिंग में ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट शुरुआत फास्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहता है, क्योंकि सुपारी का रेट बहुत कम रहता है। जैसे कि आप देसी वाला लेंगे तो 1500-20 रुपए के अंदर पौधा फैमिली मिल जाएगा, और अगर हाइब्रिड इस टाइप का पौधा लेंगे तो मान के चलिए 25-35-40 रुपए के अंदर आपको इस टाइप का पौधा जो है मिल जाएगा, हाइट के हिसाब से छोटा बड़ा। जैसे हमारा पास यहाँ पर देख सकते हैं 4.5 फुट 4 फुट मतलब 4 फुट के ऊपर पौधा है, इसको आपको 40 रुपए में सेल करें। ज्यादा क्वांटिटी होता है तो रेट कम अप डाउन रहता है। और इसमें इसका ही छोटा मर्चन जो है 1-1.5 फीट का पौधा, ये आपको देख सकते हैं हमारा 30 रुपए में हम सेल कर रहे हैं। तो इस टाइप का पौधा आप ले सकते हैं, पौधा लेने के लिए जरूरत संपर्क करिए। मेन बात देखिए ना, एक चीज क्या होता है फार्मिंग करने से पहले, फार्मर तो हर बार बोलते हैं ऑथेंटिक और जेन्युइन जगह से पौधा लीजिए, जिस जहाँ पर ऐसा मदर प्लांट हो और इस टाइप के पौधे से जो है तो, मतलब इस टाइप का फ्रूट से जो पौधा रेडी किया जाए। हमारा ग्राफ्टिंग होता है और इस मेनली आपको दिखाऊंगा, ये जो खेत है ना हमारा बाउंड्री पे लगा हुआ है, ये सुपारी का काफी वीडियो नहीं बनने का बना है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ग्राफ्टिंग वगैरह का काम रहता है, जो मैंगो वगैरह अमरूद वगैरह का जो काम रहता है, ठीक है। तो ये नर्सरी का ही बगल में है हमारा, तो नर्सरी के साथ ये लगा हुआ है सुपारी का पौधा, ठीक है। तो हमारा इसका भी काम रहता है, इसका पौधा आपको एकदम ओरिजिनल और ऑथेंटिक पौधा आपको मिलेगा। पौधा लेने के लिए तो जरूर संपर्क करिए। बाकी सुपारी के बारे में काफी सारा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है वो, और अगर इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते तो जरूर हमारे साथ नीचे दिए गए नंबर से संपर्क करिए। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।